हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ज्योतिष ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी खूब खूब अच्छी हूँ। तो दोस्तों, हो गया सुबह का आगाज़ और घड़ी में बज गया अभी 7:05। तो दोस्तों, मेरा दूसरा काम होता है बिस्तर समेटना। बेटे अभी बिस्तर गीला कर दिया है तो मैं धूप में डाल दूँगी उसको और घर को झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद चले जाऊँगी नीचे, बेटे को फ्रेश करूँगी, खुद ब्रश करूँगी और सब गुनगुना पानी पीने के बाद बैठ गई अभी मैं सब्जी काटने के लिए। दोस्तों, तो ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है और लंच का भी तैयारी हो रहा है। तो सलाद काट के रख रही हूँ, पपीता का सब्जी उनको काट के दे दी हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ पैकिंग करने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं कहीं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा दोस्तों। तो मेरा पैकिंग ऑलमोस्ट हो गया है और भी सामान लेना बाकी है जो आज धुला है, उसको भी कुछ कुछ डालना है। तो इसमें मैंने 3 जन का कपड़ा रखा है, मेरा, बेटे का, मेरे हस्बैंड का। और आ गई है दोस्तों दूसरे वाले दुकान जहाँ से मैंने पिछले दिन कपड़ा लिया था, तो हमें मम्मी का कपड़ा एक्सचेंज करने के लिए। तो यही इसी दुकान से सस्ते में कपड़ा मैंने लिया, तो आप भी आके ले सकते हो। अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है और जो अमाउंट है वो भी अच्छा है, तो रिजनेबल प्राइस है बहुत। तो दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ दुमका का मशहूर डिज्नी लैंड, जो कि हुआ है करीबन 2.5 साल बाद। तो लॉकडाउन की वजह से ना, ये नहीं तो हर वर्ष लगाया जाता है अप्रैल मई जून के बीच, तो इस साल लगाया गया है अगस्त में। तो हर साल ये इस मेले को अनुष्ठित किया जाता है एक संस्था के द्वारा, तो वो मुझे नहीं पता ही। तो ये है डिज्नीलैंड का मेन द्वार। तो पहले हम लोग टिकट ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे इसके अंदर। तो अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये है मेन गेट। मेन गेट होते हुए हम लोग बाएं तरफ मुड़ेंगे, बाएं तरफ से पूरा गोल राउंड घूम के आएंगे, उसके बाद पान का जायका लेंगे। तो यहाँ पे पान तो बहुत तरह का है, आग लगाने वाला पान भी है, मुझे नहीं पता है नाम क्या होता है उसका, बट है। और दोस्तों, पहला ही दुकान आप लोग को नज़र आ रहा होगा कुछ ईयरिंग्स अचार का, उसके बाद गन सूट का, और उसके बाद है दोस्तों ये बंद है, उसके बाद वाला खाली है। और जो पांचवा नंबर है उसमें बैग का कलेक्शन है, ह्यूज कलेक्शन है बैग का। और देख सकते हो यहाँ पे भी पड़ा है कुछ बैग, और एक तरफ है शीशे का सामान जो कि घर सजाने के लिए या फिर आप लोगों को गेस्ट के होस्टिंग के लिए अच्छा है। और एक तरफ है क्लॉक का हैंगिंग, क्लॉक्स है, उसके बाद बैंगल स्टैंड है, की रिंग्स है, बहुत कुछ है। और दूसरी तरफ है वो जो कान गले का सेट। और इस वाले दुकान में है शो पीसेस वगैरह, तो आप जो चाहे ले सकते हो। मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही घुमा दे रही हूँ डिज्नीलैंड। मैं भी बहुत दिनों बाद आई, फर्स्ट डे आई हूँ। और ये है चप्पल का कलेक्शन, 200 रुपये में हर कोई चप्पल। तो बहुत भीड़ है, महिलाएँ ले रही हैं। और ये वाला भी है शो पीस का दुकान, जिसमें कांच का बर्तन, ग्लास, कटोरी, कप्स वगैरह है, बहुत ह्यूज कलेक्शंस में है। और ये है मेला ही मनोरंजन, तो इसमें गन सूट वाला है कुछ कुछ, यहाँ पे कुछ कुछ फेंक के प्राइस जीतने वाला है। और ये है हर सामान। और यहाँ है ड्रीम डेकोर, मतलब जो कर्टन्स है उसका कलेक्शन है, यहाँ पे लिस्ट लगा हुआ है, आप लोग आके देख सकते हो। अभी आ गया है आकर्षण, जो मूल आकर्षण है मेले का, वो है झूला। तो ये है झूले का टॉय, फिर ये है यहाँ पर खाने का आइसक्रीम का स्टॉल। मेले में ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो बेटे को नज़र आ गया उसका फेवरेट दुकान, तो यहाँ से वो गाड़ी लेगा बोल रहा है, तो देखा जाए वो कौन सा गाड़ी लेता है। और मुझे भी एक नज़र आया है हैंड फैन, जो कि मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। हैंड फैन से हवा लेने में मज़ा आएगा। और अभी मेरा बेटा आ गया है जंपिंग वाले झूले में, जिसमें बड़े लोग जंप कर रहे हैं, मेरा बेटा जैसे लेटा हुआ है। तो बच्चों के मनोरंजन के लिए ही माँ बाप जो है वो मेला आते हैं, और अपना मनोरंजन भी हो जाता है, तो बच्चों के लिए मेन है। तो अभी मैं बेटे को ही मनोरंजन करवाने के लिए लेके आई हूँ, तो बेटे पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देख सकते हो बड़ा बच्चा उस पर गिर गया, तो मैं भी बोल रही हूँ बेटा मत करो ऐसा, वो छोटा है। और वो मेरा बेटा डर के मारे लेट गया है, उसे उछल नहीं पा रहे, क्योंकि उससे बड़े लोग उछल रहे तो वो गिर जा रहा है, बहुत हाई स्पीड में जंप हो रहा है, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। तो अभी बीच में आ रहा है और बड़े लोग साइड में उछल रहे हैं, तो उसे मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है देखने में। और अभी इसमें बैठ गया है वो कार वाले जो हाथ से घुमाते हैं उसमें, तो देखा जाए वो करने के बाद वो दूसरा डिमांड क्या करता है। तो इसमें भी बच्चे हैं काफ़ी, और सबके माँ बाप जो हैं जो बच्चों के साथ वीडियो ले रहे हैं, कर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। अभी आ गया है एरोप्लेन में,
तो ये भी हाथ से घुमाने वाला है दोस्तों। और एक एक एरोप्लेन में लिखा है मुंबई, रांची, बेंगलोर, कोलकाता, पटना। तो मेरा बेटा पटना में बैठा है। और अभी हम लोग आ गए हैं ट्रेन वाले में बैठने के लिए। तो इसमें विद फैमिली बैठेंगे हम लोग। पापा के साथ बैठा है बेटा और मैं बैठी हूँ अपने अकेले। और अभी आ गई हूँ चाट खाने के लिए दोस्तों, काफी भूख लगी थी हस्बैंड को भी मुझे तो सिर्फ। हेलो फ्रेंड्स, आ गई आप लोगों के बीच और अभी बज गया है घड़ी में 10 पूरा पूरी रात का। तो आप लोगों को दिखने में और मेरा ब्लॉगिंग करने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मैं मच्छरदानी आज लगा ली हूँ। कल हम लोग निकलने वाले हैं। तो कहाँ जा रही है आप लोगों को जब मैं अच्छा जहाँ कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग जब जाएंगे तभी पता चल जाएगा। और हम लोग आज डिज्नीलैंड गए थे, आप लोगों ने देखा। तो दुमका में करीबन 3.5 या 3 साल बाद ये मेला लगा, लॉकडाउन की वजह से बंद था। और आज आज मेरे हस्बैंड का मेरा हम दोनों का झगड़ा हुआ है। दोनों का बेड अलग है, बेटे के साथ नहीं रहेंगे। अच्छा बेटे के साथ गाड़ी, ये मेरा बेटे का गाड़ी देख लिया बेटा। और ये रहा मेरे रूम में मच्छरदानी लग गया है। और अभी मेरे हस्बैंड इस रूम में अपना मच्छरदानी लगा रहे हैं, इस रूम मच्छरदानी लगा रहे हैं, वो इस रूम में सोएंगे। क्यों अब मेरे को क्या पता, झगड़ा हुआ है हमारे बीच इसलिए वो अलग सोएंगे। देखो गुस्से में है क्या? गुस्सा है बाबा, मेरा बेटा पूछ रहा गुस्सा है वो। तुम्हें हिस्सी को बेटा टॉयलेट कर देते हैं इसलिए पापा अलग सो रहे हैं। तो दोस्तों इस रूम में मेरे हस्बैंड आज सोएंगे और उस रूम में मैं और मेरा बेटा सोएंगे क्योंकि उस रूम में बेड छोटा है। आप लोगों को पता ही, मेरे हस्बैंड हमेशा इसी रूम में आ जाते हैं रात को बेटा सो जाने के बाद। और आज भी आज मच्छरदानी लगाएंगे क्योंकि कल उनको मच्छर काटा था। तो आज हम लोग डिज्नीलैंड गए थे दोस्तों, तो बहुत इंजॉय किए। और कपड़े की दुकान में आप लोगों के साथ तो मैंने शेयर किया, मम्मी का एक कुर्ती छोटा हो रहा था उसको मैंने एक्सचेंज किया। और वो दुकान भी आप लोगों ने देख लिया, छोटा सा ही है बट क्वालिटी क्वालिटी नहीं बोलूंगी लेकिन उसका जो वेराइटीज है वो बहुत ज्यादा है। और हमारे डिनर में आज था वो खेक्सा, आलू का फ्राई, रोटी और दाल, यही था हमारे ब्रेकफास्ट में। और बेटे सॉरी डिनर में, और मेरे बेटे के डिनर में था पराठा, सब्जी और अंडा, यही था उसके डिनर में। और हम दोनों का डिनर हो गया, हम तीनों का डिनर हो गया, चारों का डिनर हो गया। सॉरी पापा का, मेरा, मेरे बेटे का, मेरे हस्बैंड का हो गया। मम्मी अभी खा रही है, मम्मी अभी खा रही है। और बाबा दाना मम्मी कोड़ी सा बेड खराब, सोफा खराब हो गया। तो अभी हम लोग फिलहाल जल्दी जल्दी सो जाएंगे, बेटे को भी सुला देंगे क्योंकि जल्दी से उठना है, कल 6 बजे तक में उठ जाना है। उसके बाद पैकिंग वगैरह बाकी है हमारा, अभी थोड़ा थोड़ा पैकिंग हुआ है, थोड़ा थोड़ा बाकी है। तो दोस्तों कल मिलूंगी मैं फिर नए ब्लॉग के साथ, नए स्पेशलिटी लेके। और कहाँ जाऊंगी वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, लेकिन जब मैं ट्रेन में चढ़ूंगी या बस में चढ़ूंगी, जिस भी ट्रांसपोर्ट पे चढ़ूंगी उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।